सरकार चुनाव को अपनी एक बपौती समझने का प्रयास कर रही है, ना संवैधानिक संस्थाओं के बारे में इनकी कोई चिंता है, ना ही चुनाव एक चुनावी प्रक्रिया के तहत निष्पक्ष हो, इसके प्रति कोई इनकी गंभीरता दिख रही है। और ऐसे स्थिति में सरकार ने संवैधानिक संकट पैदा कर दिया है। निश्चित रूप से आज यहां फिर से राज्यसभा चुनाव है और इसमें भी सरकार उसी तरीके के छल प्रपंच करने पर लगी हुई है, जुटी हुई है। आज हम मांग करते हैं कि अनुराग गुप्ता को अविलंब निलंबित करें, उस पर प्राथमिक दर्ज हो, उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई हो। मैं तो कहता हूं कि ऐसे पदाधिकारियों को तो एक सेवा में रहने का अधिकार ही नहीं है, तुरंत उनको बर्खास्त कर देना चाहिए सरकार के माध्यम से। और उसी आशय पर आज हमने रांची वरीय पुलिस अधीक्षक को एक पत्र भी लिखा है, जहां पर हमने खुद साल भर पहले लगभग एसटीएससी थाने में इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए हमने दरखास्त भी दिया है, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस आशय पर हमने रांची पुलिस अधीक्षक को पत्र भी लिखा है कि उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई अब तक, इसकी जानकारी हमें उपलब्ध कराई जाए।